यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोलता है, एकांत दूरी पर स्थित द्रव की दो परतों के बीच, ठीक है। एकांत दूरी मतलब कितना हो गया बेटा, अगर मान के चलिए द्रव की पहली परत है, क्या है, दूसरी परत है, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो दूरी है उसको मैं कितना मान के चलू, एक यूनिट मान के चलू, मतलब की एकांत दूरी मान के चलू। तो एकांत दूरी पर स्थित द्रव की दो परतों के बीच प्रवाह की दिशा के लंबवत वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं, ठीक है। मतलब कि प्रवाह की दिशा के लंबवत, मतलब प्रवाह की दिशा किधर है, इधर है, फ्लो ऐसे बाहर, ठीक है। तो प्रवाह की दिशा के लंबवत, लंबवत बोला ना, तो अगर प्रवाह की दिशा इधर है तो इसका लंबवत क्या हो गया, होगा कि नहीं होगा, ये उत्तर है लंबवत। लंबवत का मतलब होता है दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो वही है, प्रवाह की दिशा के लंबवत वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, वेग प्रवणता कहते हैं। तो प्रवाह की दिशा के लंबवत वेग में परिवर्तन, पहले पर वाली परत का वेग कितना है v, दूसरे वाली परत का वेग कितना हो जाएगा इससे थोड़ा सा बढ़कर v+∆v। क्यों ऐसा रहते हैं, क्योंकि अभी बताया मैंने पहली वाली परत क्या रहती है, ज्यादा रफ्तार से बहती है, उससे नीचे वाली परत क्या रहती है, उससे कम रफ्तार से बहती है। तो पहली वाली परत अगर v वेग से बहती है तो सीधी सी बात है दूसरी वाली परत में क्या होगा, उससे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये पहली वाली परत नीचे वाली परत किससे v से बहती है तो ऊपर वाली परत किससे बहेगी, v+∆v, मतलब कि वेग थोड़ा सा बढ़ ही जाएगा। ऐसी होता है कि नहीं होता है, ठीक है। आप देखो इन परतों का, मैं इन परतों का सरफेस रेजिस्टेंस रखते हैं हम लोग, ठीक है। मान के चलता हूँ ये क्या है, मान के चलिए नदी है और नदी का सबसे निचली सतह है, ठीक है, मतलब क्या है सरफेस है, जमीन बोलते हैं, ठीक है। आप देखो जमीन से पहली परत, द्रव की पहली परत जो बह रही ना, द्रव की पहली परत है, ठीक है। तो जमीन से द्रव की पहली परत की दूरी में कितना लेके चला, एक्स दिख रहा है। जमीन से द्रव की दूसरी परत, ये देखो दूसरी परत है बह रही हूँ, ठीक है। तो दूसरी परत की दूरी कितना लेके चला, ये वाला एक्स हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो दूसरी परत को यहां से यहां तक लिया तो मैं कितना लिख लिया, एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है। डी एक्स से एक्स्ट्रा लिया मतलब यहां से यहां तक एक्स था, तो यहां से यहां तक कितना लिया मैं, डी एक्स लिया हूं, जो कि यहां पर दिखाया गया है, ठीक है। मतलब द्रव की जमीन से द्रव की पहली परत कितनी दूरी पर है, एक्स में, और दूसरी परत कितनी दूरी पर बेटा, एक्स प्लस डी एक्स। पहली परत कितनी रफ्तार से बह रही है, कितने वेग से, वी वेग से, और दूसरी परत कितनी रफ्तार से बह रही है, वी प्लस डी वेग से, ठीक है। समझ में आया फ्लूइड कैसे बाहर है, ठीक है, बस इतना ही है। और द्रव के फ्लो का डायरेक्शन कैसा है, इधर है, ठीक है, वो यहाँ पर भी समझ में आ रहा है, जा रहे हैं तो ऐसा ले रहे हैं इसके फ्लो का डायरेक्शन। चलो आप नीचे देखते हैं, वही है ए व बी परत की कल्पना करें जिनका वेग क्रमशः वी तथा वी प्लस डी वेग, ठीक है। सब वेग क्रमशः का गठन है, वेग प्रवणता में क्या हो जाएगा, देखिए स्टार्टिंग में जो मैक्सिमम वेलोसिटी उसको हम लोग पहले रखें, तो ऊपर वाले जो परत वाली है इसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसको पहले रखें, उसके बाद माइनस उससे कम वाले वेलोसिटी, दूसरी परत की वेलोसिटी उससे कम है तो रखें। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसको पहले रखें, उसके बाद कम वेलोसिटी को रखें। तो इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर दिया नीचे, एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स, मतलब कि पहली परत का डिस्टेंस दूसरी परत का डिस्टेंस पृष्ठ से, ठीक है, ये कितना है x प्लस dx, और दूसरी परत का डिस्टेंस पृष्ठ से कितना है बेटा x, इन दोनों को माइनस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा, v प्लस dv माइनस v, माइनस v और प्लस v क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट, कितना बचा dv, यहाँ पर x प्लस dx माइनस x था तो माइनस x और प्लस x क्या हो गया कैंसिल आउट, कितना बचा dx। तो यहाँ पर कितना हो गया बेटा dv अपॉन dx, यहाँ से हमको वेग प्रवणता मिल गया। अब देखिए आप कंडीशन ले रहे हैं, यदि द्रव के बीच का श्यान बल कितना हो बेटा आपका एफ, तब की कंडीशन में दो द्रव होते हैं तो द्रव के दो परतों के बीच जो अपेक्षित गति होती है बेटा, ठीक है, वो गति क्या करती है, एक परत दूसरी परत के बहने का विरोध करती है, ये होता है बेटा आपकी श्यान बल की कंडीशन, ठीक है। तो द्रव के दो परतों के बीच में श्यान बल लगता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, श्यान बल ले रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन देखिए, परतों के संपर्क तल के क्षेत्र पर के अनुप्रमाण होता है, तो जो श्यान बल होता है बेटा ये क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है दो परतों के बीच में उसके क्षेत्र पर का क्या होता है बेटा अनुप्रमाण होता है। मतलब यहाँ से पहले कंडीशन से ले सकता हूँ मैं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, ये हो गया बेटा आपका इक्वेशन नंबर वन। सेकंड कंडीशन में सेकंड कंडीशन क्या लिखा हुआ है, परतों के बीच का वेग प्रवणता डीवी अपॉन डीएक्स के अनुप्रमाणुपाती होता है, मतलब कि बेटा वेग प्रवणता होता है ना वो भी श्यान बल का क्या होता है अनुप्रमाणुपाती, मतलब कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू डीवी अपॉन डीएक्स, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पर देखिए आप क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा फोर्स के प्रोपोर्शनल है, मतलब श्यान बल के प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डीवी अपॉन डीएक्स, मतलब कि वेग प्रवणता, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को एक साथ रिलेट करके मैं लिख सकता हूँ
मतलब आप यहाँ पर देखिए F प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया और वेट प्रमोट करते हैं, दिख रहा है ना। यहाँ पर अगर मैं प्रोपोर्शनल का संज्ञा करता हूँ तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अनुपातिक नीपांक लग जाएगा। तो जो नीपांक लगेगा बेटा उसको मैं क्या लगा रहा हूँ, ईटा लगा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का संज्ञा क्या शो करता है, तो होता है क्या बेटा, द्रव की जो दो परतें होती है वो क्या करती है, एक दूसरे के बहने का विरोध करती है। सैंपल में यही होता है ना, ठीक है। तो विरोध करती है बेटा, मतलब एक दूसरे को बहने से रोकती है, मतलब ये क्या है, निगेटिव नेचर रहता है, इस वजह से यहाँ पर ऋणात्मक साइन लग जाएगा। देन फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ईटा ए डी बी अपॉन डी एक्स, ये हो गया बेटा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ पर क्या है बेटा, जहाँ एन ए क्या है, अनुपातिक नीपांक है, इसे ही क्या कहते हैं बेटा, श्यानता गुणांक कहते हैं, ठीक है। श्यानता गुणांक जो पढ़े हैं इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आप समझ में आ गया होगा, ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यदि देखिए बेटा, यदि ए इक्वल टू वन और डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पर वन हो जाएगा, तब के कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसलिए ऐसा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम बेटा एकांक क्षेत्रफल और एकांक वेग प्रवणता के बारे में बात कर रहे हैं, इस वजह से F इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ईटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड निकला है इसका बेटा हम लोग थ्योरेटिकल फॉर्म में नीचे लिखेंगे, तब जाके आपको फाइंड आउट हो जाएगा श्यानता गुणांक का डेफिनेशन। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, अतः किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस द्रव के अंदर एकांक क्षेत्रफल वाली उन दो समांतर परतों के बीच लगने वाले श्यान बल के बराबर होता है जिनके बीच एकांक वेग प्रवणता हो, ठीक है। यही है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, द्रव की जो दो परतें होती हैं उसको अगर हम एकांक क्षेत्रफल मान के चले, एकांक वेग प्रवणता मान के चले, तो यहाँ पर श्यान बल श्यानता गुणांक क्या होता है बेटा, बराबर होता है, वो भी निगेटिव नेचर में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन किससे होता है, श्यानता गुणांक का, श्यानता गुणांक को हम लोग ईटा से दर्शाते हैं। आई होप सो आपको यहाँ पर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि श्यानता गुणांक है क्या। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।